दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, तो आइए जानते हैं ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। हमले का उद्देश्य लोगों को एक लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो एक वैध वेबसाइट की तरह दिखने के लिए डिजाइन की गई दुर्भावनापूर्ण या नकली वेबसाइट की ओर ले जाता है, या एक अनुलग्नक खोलने के लिए जिसमें के दुर्भावनापूर्ण सामग्री होती है। हैकर पहले वैध वेबसाइट से समझौता करता है या नकली वेबसाइट बनाता है। ऑनलाइन फ्रॉड कितने तरह के होते हैं? साइबर सुरक्षा में ऑनलाइन धोखाधड़ी में ऑनलाइन घोटाले, स्पैम, पहचान की चोरी, आपकी जानकारी के बिना आपके खाते से ऑनलाइन उत्पाद खरीदने में धोखाधड़ी, पहचान धोखाधड़ी, घोटाला पॉपअप अलर्ट, चेन लेटर घोटाले आदि शामिल हैं। ऑनलाइन फ्रॉड को हिंदी में क्या कहते हैं? कपट पूर्वक किसी अन्य के धन को उड़ा लेना, उदाहरण के लिए कपट पूर्वक नकली चीजें बनाने का कार्य। फ्रॉड कॉल क्या होती है? यह कोड आमतौर पर *401 हैश से शुरू होता है और उसके बाद एक मोबाइल नंबर होता है। टेलीकॉम यूजर्स ऐसे झांसे में आ जाते हैं और अगर वो ये कोड डायल कर देते हैं तो उनके मोबाइल फोन से बेरोक टोक कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो जाती है। इसके बाद उनके फोन पर आने वाली सभी कॉल धोखेबाज व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर चली जाती है। फ्रॉड मैसेज की पहचान कैसे करें? आप नाम और नंबर पर ध्यान देकर फर्जी मैसेज की पहचान कर सकते हैं। कभी भी व्यक्तिगत नंबर से मैसेज या कॉल आए तो वह फ्रॉड मैसेज हो सकता है। बैंक द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज में VM-ICICI बैंक या JD-ICICI BK जैसे नाम के साथ मैसेज आता है। कभी भी कोई भी बैंक व्यक्तिगत नंबर से मैसेज नहीं करता। फेक कॉल की पहचान कैसे करें? कॉल करने वाला सामान्य अभिवादन का उपयोग करता है और आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पैसे या व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को हमेशा पता रहेगा कि वे किसे कॉल कर रहे हैं। कॉल करने वाला आपका SSN या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी मांगता है। फोन पर यह जानकारी देने का कोई अच्छा कारण नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉड में कौन सी धारा लगती है? सेक्शन 379। कई साइबर क्राइम चोरी के मोबाइल, कंप्यूटर या चोरी के डाटा का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। इसके तहत चोरी के लिए 3 साल तक की सजा या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 420। IPC का यह सेक्शन फ्रॉड करने या फ्रॉड वेबसाइट बनाने के लिए पासवर्ड चोरी से संबंधित अपराधों से जुड़ा है। क्या ऑनलाइन धोखेबाज पकड़े जाते हैं? हाँ, ऑनलाइन घोटालेबाज पकड़े जा सकते हैं और पकड़े भी जाते हैं, और उन्हें अपनी अवैध गतिविधियों के लिए समय भी देना पड़ सकता है। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सरकारों ने ऑनलाइन घोटालेबाजों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए विभिन्न तंत्र और कानून स्थापित किए हैं। ऑनलाइन ठगी के बाद मैं अपना पैसा कैसे वापस पा सकता हूँ? नेशनल साइबर क्राइम हेल्प नंबर है 1930, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जरूरी जानकारी जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, खुद की अकाउंट डिटेल और जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ उस अकाउंट की डिटेल देकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन है? भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में मुमकिन है कि हर्षद मेहता घोटाला सबसे बड़ा भारतीय घोटाला है। जाने माने ब्रोकर हर्षद मेहता ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में हेर फेर करने के लिए बैंक कर्मचारियों के साथ साठ गांठ की थी। फोन नंबर असली है या नहीं कैसे चेक करें? ये जांचने के लिए कि कोई फोन नंबर वास्तविक और सक्रिय है या नहीं, 99.9% सटीकता के साथ फोन नंबरों को सत्यापित करने के लिए IPQS निःशुल्क फोन सत्यापन उपकरण का इस्तेमाल करें। अंतरराष्ट्रीय फोन सत्यापन के साथ किसी भी फोन नंबर को खोजें जो विश्वव्यापी कवरेज को सक्षम बनाता है। तो दोस्तों
ये बहुत सारी सवाल और जानकारी थी ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।